गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये व्लॉग नहीं होने वाला, जनरली पता है कि मैं व्लॉग वीडियो बनाता हूँ, आप सबको पता होगा। तो मैंने कॉलेज का भी बनाया था जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था। तो अभी हम लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ सेम जो है कम्प्लीट हो चुका है। मैंने एक साल यहाँ की पढ़ाई कर ली है। बहुत सारे लोग मेरे को वीडियो पे कमेंट किए थे, कुछ सवाल है उनके जो बता दो करके। बाय द वे अभी हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हूँ, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग जो है हो चुका है और आज एडमिशन चल रहा है हमारे कॉलेज में। करंट जो है एडमिशन चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आए थे उनका मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ का प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस, तो वो सब काउंसलिंग वगैरह होता है, तो काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है, जो पीटी वगैरह दिलाया है उसके लिए। और लेटर एंट्री का भी काउंसलिंग का फॉर्म आता है, उसको आपको भरना होगा, जैसे कि मैंने लेटर एंट्री जो है लिया था। और एक चीज़ नोट डाउन करने की है कि पहले काउंसलिंग करने के बाद आपको DVC करवाना पड़ता था, तो DVC वाला रूल अब टोटली चेंज हो चुका है। अब सीधा कॉलेज अलॉटमेंट होता है काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बाद, उसके बाद जब आप जहाँ आप जाओगे वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि DVC, उसके बाद डायरेक्ट आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो बात करते हैं हमारे कॉलेज की, GC बिलासपुर की। तो मैंने उसका एडमिशन प्रोसेस तो बता दिया, ये लेटरल एंट्री के लिए पॉलिटेक्निक के परसेंटेज के आधार पर और बाकी PT वगैरह होता है। सेकेंड क्वेश्चन था यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले तो बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए सबसे पहले आप एडमिशन आएंगे तो 1000 रुपये होता है जो आपका कॉन्सर्न मनी होता है, जो आपको पूरे BTEC कम्प्लीट होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो एडमिशन फीस होता है वो होता है 2750 रुपये, फिलहाल इस वर्ष के लिए उतना ही तय किया गया है 2750। दोनों को मिला देंगे तो फिर एडमिशन के टाइम आपको 3750 रुपये नियमित रूप से पेमेंट करना ही होगा। देन उसके बाद सेमेस्टर फीस होगा, वो 9000 प्रति सेमेस्टर है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो उस हिसाब से उसका होगा 18000। लेकिन अगर प्रमाण पत्र है, तो मतलब जिनको इनकम सर्टिफिकेट अचीव होता है, जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो अपना आय प्रमाण पत्र देते हैं, तो उनको मात्र 3750 देना होगा। अगर उनके पास ये नहीं है या जनरल वाले हैं, तो उनको 18000 प्लस करके उतना पैसा देना होगा, तो वो हो जाएगा 22750 रुपये फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए, तो इतना पैसा पड़ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए जो है कॉलेज का फीस 3750 जो एडमिशन शुल्क होता है वो बस लगता है, बाकी उनका सेमेस्टर शुल्क पूरा माफ़ होता है गर्ल्स लोगों के लिए। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इसमें मिलने वाले स्कॉलरशिप के बारे में। तो जो कॉलेज में है हमको, जिनको OBC वालों को स्कॉलरशिप मिलता है, वो करीब 23-24 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप मिलता है। तो उसमें से आप 18000 अगर कॉलेज में निकाल लेते हैं, तो कुछ अमाउंट 3-4 हज़ार आपके पास बच जाते हैं। और गर्ल्स को स्कॉलरशिप यहाँ पर 9-10 हज़ार के करीब मिलता है, उनको थोड़ा सा कम मिलता है बॉयज़ के मुकाबले, क्योंकि उनका कॉलेज फीस नहीं लगता। देन अब सेकेंड बात करते हैं यहाँ पर रहने के लिए, तो अब बात करते हैं हॉस्टल के लिए। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल है यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप जब भी एडमिशन के लिए आए, तो जितना जल्दी हो सके आके ही उसी दिन हॉस्टल के बारे में यहाँ पता करें और फॉर्म भर। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही हॉस्टल में सीट अलॉटमेंट होता है 500% के आधार पर। तो जो उसका फीस है वो है 9000 रुपये है उसका ईयरली हॉस्टल में रहने का फीस है, जो 9000 गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, दोनों के लिए सिमिलर है। और बात करें मेस की, तो मेस का फीस है 2500 के अंडर ही मान लीजिए आप, 2000 से 2500 के बीच है, क्योंकि दोनों हॉस्टल में अलग अलग मेस जो है काम करती है। तो 2000 से 2500 रुपये, तो मैक्सिमम 2500 रुपये पर मंथ आपको देना होगा मेस का फीस। अदर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो अदर खर्चे मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे कि आपको हॉस्टल नहीं मिला, तो आप यहाँ पर कोनी है गाँव, तो यहाँ रह सकते हैं, तो बड़ी कोनी में, फिलहाल सिटी से थोड़ा दूर है, मतलब कॉलेज जो भी है कोनी में लगा हुआ है, एकदम बिलासपुर सिटी में नहीं है। तो अगर आप यहाँ रहते हैं, तो आपको 2000 रुपया सिंगल के लिए लगेगा ही, इतना चार्जेस हो गया है। यहाँ पर एक अच्छा नॉर्मल सा रूम लेने के लिए आपको 2000 किराया पड़ जाएगा पर मंथ, प्लस अगर आप टिफिन मंगाते हैं तो वो भी 2000 रुपया आप मान लीजिए, और 1000 आपका खर्चा, तो 5000 रुपये पर मंथ आपको लग जाएगा यहाँ पर रहने में। तो ऐसा कुछ खर्चा है, बाकी आप जितना कर सकें, बाकी मैंने मिनिमम बता दिया है। अगला मेरे वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, वो बता दिया मैंने, रहने का खर्चा भी बता दिया, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों वही सिमिलर टाइप का है। देन अब बात करते हैं स्टडी प्रॉब्लम की, हिंदी टू इंग्लिश। तो देखिए हिंदी टू इंग्लिश ये है, अगर आपने ठान लिया कि आपको पढ़ना है, तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब अब आप
आप एक बार एडमिशन ले लिए तो आपको थोड़ा शुरू में बेसिकली थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, लेकिन ऐसा ठान के चलिए कि आपने इसमें इंटर कर लिया है तो इसको जीतना चाहिए। तो आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, इंग्लिश कोई खास फर्क नहीं डालता, क्योंकि आप लिखना सीख जाएंगे, आप बोलने का नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलना तो वार्तालाप तो जब चलती है, कन्वर्सेशन होती है, उससे कोई आदमी इंग्लिश सीखता है। मेरी भी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी एग्जाम के पर्पज़ पर इंग्लिश जो लिखना है वो आप इजीली सीख जाएंगे, क्योंकि अगर रूटीन बनता रहता है आप उसी में पढ़ेंगे, सब चीज़ आपको इंग्लिश में ही करना है तो उतना दिक्कत नहीं आता, उसके लिए घबराइए मत। बस आपको इंटरनली अपने अंदर से हार नहीं माननी है, तो आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश में आंसर लिखना सीख जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे लेटरल एग्जाम का क्या होगा, तो लेटरल एंट्री होते हैं ना उसके लिए हमको 4 एग्जाम फर्स्ट ईयर का एक्स्ट्रा दिलाना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री M1 और M2 यानी मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2। मैंने भी दिलाया था, एंट्री मिलते हैं हमको थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में, तो हमको फर्स्ट ईयर के 4 एग्जाम दिलाना पड़ता है जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो मैंने भी दिलाया था, उसमें से मेरा एक एग्ज़ाम जो है निकला, उसके बाद मेरा बैक आ गया, 2 एग्ज़ाम में 3 एग्ज़ाम में बैक आया है। एक्चुअली मैं उस टाइम घर भी चला गया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जान ऑनलाइन पास किया था ना, तो ऑनलाइन पास करने के बाद थोड़ा M1 M2 पढ़ना 2-3 साल के गैप लिए, इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट अब ये आने वाले सेमेस्टर में मैं उसे बैक को क्लियर कर दूंगा, जूनियर्स लोगों के साथ फिर पर दिलाऊंगा सेकेंड सेमेस्टर का, तो जो मेरा बैक था वो क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए कोई भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, और इंजीनियर से बैक को लगता रहता है, ठीक है। और बता दूँ तो मैंने अपना थर्ड सेम आज क्लियर कर चुका है, और फोर्थ सेम का आज लास्ट डे है, आज प्रैक्टिकल वैक्टिकल दिला रहे हैं, और होपफुली मैंने एग्ज़ाम में क्लियर किया है, तो जो ये फिफ्थ से ये फोर्थ सेमेस्टर भी निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को बतानी थी, आप लोगों ने मेरे पूछा था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बाकी कुछ भी डिटेल चाहिए और बाकी चीज़ के बारे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो बाकी और यूट्यूब पर कई प्रकार की वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरे तरफ से मेरे सब्सक्राइबर से जो रिक्वेस्ट किया गया था वो मैंने बता दिया। बाकी अभी मेरा ब्लॉग चैनल है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अब से मैं कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ब्लॉग देखने के लिए। आई एम बिलासपुर, तो लेंगे ज़रूर, थर्ड ईयर में पहुँच चुका हूँ मैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और हाँ, जल्दी से जाकर एडमिशन का फॉर्म भर दो, फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, बाय।